Hello everyone, welcome back to my channel Learning Education R.S. Today we will learn about wildlife conservation. So what is wildlife conservation? Wildlife conservation क्या है? We need to understand firstly what is wildlife and what is conservation. So wildlife means plants, animals. Animals यहाँ पे undomestic animals आएंगे जो हम घर में नहीं पालते, जो जंगल में रहते हैं. इट मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन अ फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट में जो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन्हें हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं. जो वन्य जीव जंतु होते हैं, जंगल में रहते हैं, जो उसे हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं. एंड व्हाट इज कंजर्वेशन? कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल वर्ल्ड और नॉट अलाउइंग समथिंग टू डिस्ट्रॉय और वेस्टेज और डैमेज. ठीक है, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय होने से बचाना, किसी चीज़ को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करना, उसे हम कंजर्वेशन कहते हैं. सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मीन्स कंजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ. इट मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड स्पीशीज, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट. हैबिटेट क्या होता है? नेचुरल होम जो होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं. प्लांट्स और एनिमल्स का नेचुरल एनवायरनमेंट, उसे हम हैबिटेट कहते हैं. सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड स्पीशीज, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट. So wildlife conservation is practice of protecting plants and animal species and their habitat. Protect करना, preserve करना plants, animal और उसके habitat को. And the protection of these species of wildlife from its extinction or vanishing. So जो species हैं, wildlife species हैं, जो wild species हैं, plants और animals की, उनको एक्सटिंक्शन होने से बचाना, वैनिश होने से स्टॉप करना. ठीक है, उससे बचाना, उससे प्रोटेक्ट करना, ताकि उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो वैनिश ना हो, वो ख़त्म ना हो, कहीं विलुप्त ना हो जाए. बाय अप्लाइंग सूटेबल मैथड, सो ऐसे मैथड्स को अप्लाई करना जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकें वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को फ्रॉम इट्स एक्सटिंक्शन और वैनिशिंग. नाउ हाउ वाइल्ड लाइफ इज़ बेनिफिशियल टू मैनकाइंड. वाइल्ड लाइफ हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, कितनी इम्पॉर्टेंट है. वाइल्ड लाइफ इज़ बेनिफिशियल टू मैनकाइंड इन सेवरल वेज. वाइल्ड लाइफ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. वाइल्ड लाइफ में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स. सो एज वी ऑल नो, ह्यूमन, एनिमल्स, वी ऑल नीड ऑक्सीजन टू लिव. सो हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन कितनी इम्पॉर्टेंट है. एंड वी ऑल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर द ऑक्सीजन. हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्लांट से. सो प्लांट्स प्रोवाइड अस ऑक्सीजन टू लिव. ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है प्लांट्स का हमारी लाइफ में, कि हम ऑक्सीजन के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. प्लांट्स जो हैं वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन और इनटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन एंड रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. सो प्लांट्स हमारे लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. सो नॉट ओनली ऑक्सीजन, प्लांट गिव्स अस फूड, शेल्टर ऑल्सो. सो प्लांट्स जो हैं हमारे लिए ऑक्सीजन ही नहीं बट फूड, शेल्टर और भी बहुत सारी ऐसी थिंग्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं अपनी, वो भी हमें प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं. जैसे टिम्बर, पेपर, गम, रबर, शुगर, कॉटन, जूट, टी, मेडिसिन, कॉफ़ी, फ्यूल एट्सेट्रा. सो प्लांट प्रोवाइड्स अस सो मैनी थिंग्स. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. इट गिव्स अस ऑक्सीजन, फूड, शेल्टर एंड मैनी थिंग्स. नाउ एनिमल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस. एनिमल्स provide us food, meat, egg, milk, honey, silk, hair, feather, fur, wool, shells etc. So animals भी हमारे लिए बहुत important हैं जैसे plants हमारे लिए important role play करते हैं. Wildlife is also important to maintain ecological balance. Now what is ecological balance? Ecological balance क्या है? उसको maintain करके रखती है wildlife. So ecological balance means balance of nature. नेचर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनवायरनमेंट है, उनकी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करना, स्टेबलाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स. Wildlife is not only helps in maintaining ecological balance but also beneficial for economic and aesthetic point of view. There was a time when human interference was minimum. पहले क्या होता था, human interference, human activity बहुत कम होती थी, जो wild life को ज़्यादा disturb नहीं करती थी. So number of wild animals was quite high. तो wild animals का जो population थी उसकी बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि ज़्यादा disturb नहीं किया जाता था. Industrialization, deforestation, ये human activity बहुत कम थी. So there was no problem of their protection and conservation की और प्रोटेक्शन की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि नेचर और वाइल्ड लाइफ को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता था. बट विद द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, सेटलमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सो जिस तरह से अर्बनाइजेशन और एक्सपेंशन हुआ एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, एंड कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर आवर पर्पस, अपने पर्पस के लिए हम जो कटिंग कर रहे हैं ट्रीज़ की, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो एंड अदर डेवलपमेंट एक्टिविटी, उससे वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है. सो विद द रिजल्ट दैट सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन एक्सटिंक्ट. सो कुछ ऐसी स्पीशीज हैं एनिमल्स की जो वैनिश होती जा रही हैं. कुछ स्पीशीज़ जो हैं वाइल्ड लाइफ डिस्टर्बेंस की वजह से वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, डिसअपियर हो रही हैं, वैनिश हो रही हैं. इसका मेन रीज़न है डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है वाइल्ड लाइफ का, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, एंड ट्रीज़ की कटिंग की जा रही है, मास किलिंग किए जा रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स की फॉर देयर बॉडी पार्ट्स, मीट, बोन्स, फॉर टीथ, फर, हेयर, स्किन. सो इसके लिए किलिंग की जा रही है, हंटिंग किए जा रही हैं वाइल्ड एनिमल्स की, जिससे उनकी पॉपुलेशन डे बाय डे कम होती जा रही है. Therefore, need for wildlife conservation has now become necessity. So हमारी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है एक necessity बन चुका है. इसकी बहुत ज़रूरत है कि हम इसकी कंजर्वेशन करें. कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ नेसेसरी टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस ऑल्सो. तो इकोलॉजिकल बैलेंस इससे मेंटेन होगा कंजर्वेशन करने से, एंड स्टेबलाइज होगा फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स. हाउ टू सेव वाइल्ड लाइफ, कैसे हम वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकते हैं, कैसे हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे रेमेडियल मेजर्स कर सकते हैं जिससे हम वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकें और प्रोटेक्ट कर सकें. First one is wildlife should be protected in natural habitat as well as in artificial habitat like zoological park, botanical garden. So wildlife जो plants and animal species हैं उसको हम protect कर सकते हैं natural habitat में और artificial habitat में. उसको वैसा create करके environment जिससे वो safe and protected feel करें. Next is deforestation should be stopped and reforestation or forestation should be implemented for the protection of wildlife. So deforestation, cutting of trees, destroying of forest, हमें ये stop करना पड़ेगा और हमें plant की ज़्यादा से ज़्यादा growth करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा plantation करनी है, जिससे protection हो सके हमारी wildlife की. So next is protecting endangered species. Endangered species होती हैं species of plants and animals that is seriously at the risk of extinction, जो near future में extinct कर सकती हैं, जिनका day by day जो population है वो decrease हो रही है और ये एग्जिस्ट कर रही हैं स्मॉल नंबर्स में. तो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम प्रोटेक्ट करें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को, ताकि वो उनकी एक्सटिंक्शन से हम उसको बचा सकें. is developing protective areas such as national park and wildlife sanctuary to protect the plants and animals in their natural habitat. So हमें wildlife sanctuaries and national park की development करना, जिससे हम wildlife को protect कर सकें and उसके habitat को protect कर सकें. इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम national park, wildlife sanctuary की development कर सकें. Hunting of animals should be banned. एनिमल्स की जो हंटिंग की जा रही है, मास किलिंग की जा रही है उनके बॉडी पार्ट्स के लिए, तो इट शुड बी बैन. लास्ट वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एवरी ह्यूमन बीइंग शुड फील द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ. सो हमें वाइल्ड लाइफ की इम्पॉर्टेंस पता होनी चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए कि उसकी क्या नीड है और कैसे हम कंजर्वेशन कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को, कैसे हम सेव कर सकते हैं, कैसे हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है. और हमें स्टॉप करना चाहिए एनिमल्स की किलिंग पे एंड कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर आवर पर्सनल रीजन्स. वे वी कैन सेव वाइल्ड लाइफ, वी कैन प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ because it is beneficial for us. This is all for today. Please do like, subscribe my channel. Thank you for watching.